हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपके अपना भाई साहब गुरु सिद्दीकी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अंडों का, दो अंडों का शौक कराता हूँ। तो दोस्तों, हमारे कबूतरों ने दिए दो अंडे, तो फिक्के देवबंदी कबूतरों के अंडे हैं। तो उन्होंने दोस्तों एक बच्चा तो निकाल दिया था परसों, तो एक अंडे को हो गए दोस्तों। आज तो दूसरा दिन है आज, तो वो बच्चा अब तक के बाहर नहीं निकला। तो मैं उस बच्चे को आज आपको बाहर निकाल के दिखलाता हूँ। तो चलते हैं अपने जाल की तरफ, क्योंकि दोस्तों अगर जो हम अंडे में उसमें बच्चे नहीं निकालेंगे तो दोस्तों अंडे में बच्चा ठस के मर जाएगा वो। तो मैं आपको वो अंडा भी दिखलाता हूँ और वो एक बच्चा का भी शौक कराता हूँ। तो चलते हैं अपने जाल की तरफ। तो ये चलते हैं हम अपने जाल की तरफ, मैं आपको दिखलाता हूँ वो उस अंडे में। दोस्तों परसों अंडा, मतलब परसों बच्चा निकल गया था एक, और अब तक के बच्चे नहीं निकला उस अंडे में से। ये कबूतर बैठा है अंडे पे और बच्चे पे, देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ। बस तो ये देखो, एक बच्चा निकल गया और एक अंडा भी जो वो तो रखा है। ये वो अंडा है और ये बच्चा थोड़ा बहुत इसमें निकला हुआ है। देखो दोस्तों, तो मैं आपको इस बच्चे को निकाल के दिखलाता हूँ इस अंडे में से, वरना ये बच्चा मर जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखलाता हूँ कैसे बच्चे निकलता है। दोस्तों आप भी देख लेना, ये कभी भी आपके साथ भी हो सकता है। ये आपके कबूतर ने दो अंडे रखे, उसमें से एक बच्चा निकल गया, दूसरे एक दिन वेट करो उसका, फिर अगले दूसरे दिन मतलब बच्चा आपको निकालना पड़ेगा। दिखला दूंगा आपको निकाल के बच्चा कैसे निकलेगा। इस कबूतर का अंडा है और ये मादा है इसकी, ये बेटी फिक्की। मैं निकाल के आपको इस बच्चे को दिखलाता हूँ ये बच्चा कैसे निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम निकाल रहे अंडे में से ये बच्चा बहुत आराम से। देखिए बच्चा, मतलब अगर जो हम आज ना देखते इस अंडे को तो बच्चा दोस्तों इसमें मर जाता। तो ये देखिए बच्चा भी कितनी कोशिश बाहर आने ही कर रहा है अंडे में से। ये देखिए, मतलब बच्चे की दोस्तों हिम्मत है, ये अब तक के जी रहा है, वरना बच्चा अब तक के मर जाता। ये आपकी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, देख लीजिए आप भी। ये देखो बच्चा अल्लाह के गुम से बाहर आ गया। आजा भाई, यहाँ गया दोस्तों। देखो अंडे में से बाहर बच्चा, ये देखिए दोस्तों अंडे में तो बच्चा बाहर आ गया। हम क्या करेंगे, इसको जू कदू कबूतर के नीचे रख देंगे। ये माशाल्लाह हेल्दी बच्चा है। तो मैं इसको कबूतर के नीचे रख देता हूँ। तो मैं इस बच्चे का आपको अभी थोड़ी बहुत देर में शौक कराऊंगा, मैं आपको ये बच्चा दिखलाऊंगा। अभी थोड़ी बहुत देर में मैं इस बच्चे का शौक कराऊंगा आपको। ये बच्चा इंशाल्लाह देखते हैं जीता है या अल्लाह के हुक्म से वैसे जी जाएगा। मैं इस बच्चे को कबूतर के नीचे रख देता हूँ। बस मैं आपको इसको बच्चे का शौक कराऊंगा बाद में दोस्तों, देखिए। चलिए दोस्तों, दिखलाते हैं हम आपको बच्चा, क्योंकि अब हो गए दो ढाई घंटे। मैं दिखला दूँ आपको उस बच्चे का, दिखला के शौक कराता हूँ बच्चा सही है या अल्लाह को प्यार हो गया। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से वो सही होगा। तो चलिए तो दिखलाता हूँ आपको।
ये खोल रहे हम अपना जाल और मैं दिखला दूँ आपको बच्चा। ये बैठी उसकी माता, ये बैठी उसकी माता, मैं आपको दिखलाता हूँ बच्चा। तो दोस्तों हम देखते हैं वो बच्चा। बिस्मिल्ला, जा भाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो बच्चा है, ये बैठे दोनों बच्चे। ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखलाता हूँ इस बच्चे को। ये है वो दोस्तों बच्चा। मेरा ये है दोस्तों बच्चा, फिक्के देवबंदी कबूतरों का बच्चा है ये। देखिए अगर तुम्हें बच्चा मंडे में से ना निकालते दोस्तों तो बेचारा ये मर सकता था। अभी बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सही है। अब हम इसको वहीं रख देते हैं। कोई बैठ जाएगी माता इसकी। तो दोस्तों आप भी कभी भी ऐसा कुछ हो जिस तरह आपके कबूतरों ने अंडे रख दिए तो उसमें से आपका अगर जो एक बच्चा निकल गया तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो अगले दिन तक के बच्चा ना निकला तो वो बच्चा आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों वरना ये बच्चा मर जाता। ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सही है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। चलते हैं दिखला दें बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो।